Good morning, everyone. This is Subhas. Welcome you all on English Heaven channel. Today we are going to study the very first chapter of 11th class, that is the Portrait of a Lady by Khushwant Singh. आज हम क्लास 11 का फोन बिल बुक का पहला चैप्टर करेंगे, वो है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसको हम बेहतर समझने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे टाइटल के बारे में। टाइटल समझने के बाद हम इनके जो लेखक हैं, ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इनसाइड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में क्या है ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें हम आज नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि हम रोज पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें आप सबको पहले समझना होगा पोर्ट्रेट होता क्या है। पोर्ट्रेट बेसिकली आपका, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक तरह का पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, या फोटोग्राफ हो गया आपका, या ऐसी भी चीजें होगी जो कि मुख्य रूप से आपका चेहरा या फिर हेड एंड शोल्डर दिखा रही होती है, उनके लिए हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। बहुत सारे बच्चे पोर्ट्रेट का मीनिंग सही से नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा पोर्ट्रेट क्या होता है। पोर्ट्रेट बस इतना सा आपका पार्ट होता है, उसके लिए बोला जाता है आपका, इसमें हेड आ जाता है, फेस आ जाता है, और थोड़े से आपके शोल्डर्स आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। है क्या ये, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मतलब एक लेडी का पोर्ट्रेट है, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है सन 2007 में पब्लिश किया गया था, और इनके जो खुशवंत राइटर है वो है आपके खुशवंत सिंह। इनका जन्म 1915 में हुआ था, 1915 में, एंड ही डाइड इन 2014, तो उनका देहांत जो हुआ था 2014 में हुआ था। अब टाइटल उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इसका जॉनर का, इसका जॉनर कौन सा है। इसका जॉनर है फिक्शन, लेकिन ये जो स्टोरी है आपकी ये एक रियल स्टोरी के आधार पे रेडी की गई है, तैयार की गई है, और इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। हमें ये सब कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि जो हमारे खुशवंत सिंह राइटर है, इनका जन्म हुआ था 1915 में और 2014 में देहांत हो गया, मृत्यु होगी, तो ये आप देखें अब 1901 से लेकर 1945 तक मॉडर्नाइजेशन चला था, उसके बाद 1945 ऑनवर्ड्स आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन चला था। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि 2014 जो आ रहा है ये आपका इसमें आ रहा है, तो ये आपका हो गया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, और इससे पहले का जो टाइम है वो आपका हो गया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका लिटरेरी पीरियड है, दो पीरियड दिखाए गए हैं इस चैप्टर में, मॉडर्नाइजेशन और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, और जॉनर आपका फिक्शन है, मतलब ये सचमुच की कोई कहानी नहीं है, लेकिन सचमुच कहानी के ऊपर ही आधारित है ये सारी की सारी स्टोरी। जॉनर होता है मतलब एक टैगी होता है एक तरह से, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे ऑथर। ऑथर, ही वाज बोर्न इन पाकिस्तान बट नाउ ही वाज एन इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट। ये जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उसके बाद ये इंडियन ऑथर कहलाए गए थे और जर्नलिस्ट कहलाए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो चैप्टर का जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो आपको समझ आया होगा, हाँ। और इस चैप्टर में हम एक लेडी का जो पोर्ट्रेट है उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं विद डिटेल्स, ओके। और खुशवंत सिंह के बारे में भी हमें मालूम पड़ेगा। दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो स्टोरी है आपकी ये एक इंडियन स्टोरी है, ये आपका एक इंडियन स्टोरी है, कोई विदेशी स्टोरी नहीं है। और कैसा स्टोरी है, ये आपका फिक्शन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है। इसका जो नैरेटिव टेक्निक है वो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक क्या होता है, जब भी आप लोग देखा होगा कभी कभी आई प्रोनाउन यूज किया जाता है, कभी कभी वी प्रोनाउन यूज किया जाता है स्टोरी बताते समय, तो ये जो होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं, और कभी कभी आप यू इस्तेमाल करते हो आपका थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक हो जाता है, कभी हम यू आपका सेकंड पर्सन नैरेटिव टेक्निक होता है, और आपका ही सी ये है आपका थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक हो जाता है, तो इनके लिए हम बोलते हैं नैरेटिव टेक्निक। इस स्टोरी में जो
नैरेटिव टेक्निक है वो है आपकी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक, क्योंकि वहाँ पर आपको ये आई एंड वी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और जब वो स्टोरी शुरू करते हैं तो बोलते हैं माई ग्रैंड मदर, हाँ तो जो माई है ये आई की फैमिली में आ जाता है, इसलिए हम इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनसाइड ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी के अंदर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये नोट्स के माध्यम से लिखा है, पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मदर, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रैंड मदर का जो डिस्क्रिप्शन है जो ऑथर ने हमें दिया है वो क्या है। पहला पॉइंट है इसमें शी वॉज ओल्ड रिंकल्ड फॉर 12 इयर्स, मतलब वो बहुत बूढ़ी है। और रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या होता है, जब व्यक्ति एज होने लगते हैं तो उनके स्किन पे, उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं, उनको बोला जाता है रिंकल्स, ठीक है। और ये करीब 20 इयर्स है इस की स्थिति में। दूसरा पॉइंट है हमारा हैड बीन यंग प्रिटी शॉर्ट एंड हैड स्लाइटली बेल्ट, मतलब वो काफी टाइम से पहले एक टाइम तो यंग भी रही है, प्रिटी भी रही है, काफी सुंदर रही है, हाँ। और अभी क्या है वो शॉर्ट है, फैट है, मतलब शॉर्ट उनकी हाइट है, छोटी हाइट है उनकी, और मोटी है, स्लाइटली बेंट, स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ा सा वो झुक के चलती है, इस तरह से चलती है, उनके हाथ में स्टिक रहता है और वो झुक के चलती है, इसको बोला जाता है स्लाइटली बेंट, ठीक है। उनका ग्रैंड मदर का ये डिस्क्रिप्शन है, ये बेटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप उनका कैरेक्टर स्केच लिख रहे होंगे या उनके बारे में कोई भी आप इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है हर फेस, कैसा था उसका फेस, हर फेस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका जो चेहरा है वो काफी क्रिस्प क्रॉस है, क्रिस्प क्रॉस होता है, आपको देखा होगा मान लो चेहरे पे दुनिया इधर इधर से जा रही है, इधर इधर से ऐसे 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 मतलब क्रॉस कर रही होती है, चेहरे जब दुनिया पड़ जाती है तो कभी आपने कभी देखा होगा अपनी ग्रैंड मदर के लिए, नानी के लिए, तो उनकी दुनिया है कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर कभी इधर, तो मतलब आपस में क्रॉस कर रही होती है, बहुत सारी होती है दुनिया जो होती है, उनको बोला जाता है क्रिस क्रॉस। और आप ऐसे ही समझ सकते हैं ये आपका जो वर्ड है क्रिस क्रॉस, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है अराउंड 80, तो 80 के पास ये ज्यादा क्लियर हो जाती है, जो क्रॉस क्रिस रिंकल्स हैं जब एज 80 की हो जाती है उस दौरान ये काफी क्लियर दिखाई देती है। वो कैसे है, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब पूरे बॉडी पर कहीं से भी आ रही है और कहीं भी जा रही है, क्रिस क्रॉस है, ठीक है। हैड सिल्वर लॉक्स शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on the waist and other tying the beads of her rosary, मतलब ये बोला जा रहा है उनके जो hair है silver, silver locks, silver color है बालों का, locks means hair, और बोला जा रहा है कि जो hair है वो काफी grey है और करीब करीब वो white होने जा रहे हैं, और what we can say all the hair of the grandmother are turning into grey color, right? And see hobbled. हॉबल्ड का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी लड़खड़ा के चलता है और उस दौरान उसे किसी का सहारा लेना होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आपकी जो ग्रैंड मदर है या नानी है तो जब वो उठते हैं चलते हैं तो दीवार का सहारा लेते हैं, दीवार के ऐसे टच करके चल रहे हैं या उनके हाथ में स्टिक होती है उससे चल रहे होते हैं, तो उनके पैर बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान वो हॉबल्ड करते हैं, ठीक है। अबाउट हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, जो दादी माँ है वो कैसे कपड़े पहनी हुई, व्हाइट कपड़े, स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड, ये कपड़ों का ड्रेस कोड होता है, व्हाइट साड़ी पहनी हुई एकदम, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई स्टाइल वाली साड़ी नहीं है, एकदम व्हाइट साड़ी है, स्पॉटलेस, कोई दाग वगैरह नहीं है उसको। और कैसे विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ जो है उनके इस तरह से है और दूसरा हाथ जो है उनके इस तरह से है, मतलब होता है ना कभी कभी एक हाथ इस तरह से रख लिया और एक हाथ में माला है उनके, तो इस तरह से मूव करती हुई चलती है, तो उनके दोनों हाथ बताए गए यहाँ पर वो कैसे यूज करती है, एक अपना हाथ अपनी कमर पर रख लेती है, दूसरे हाथ में माला है जो रुद्राक्षी या जो भी माला है उनके हाथ में, तो उनसे उनमें जो बीड्स है जो मोती है उन्हें काउंट करती रहती है, ठीक है। तो वो सीन यहाँ पर बताया गया है, आगे बढ़ते हैं हम, ये था उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गेम्स
स्टोरीज परफॉर्म्ड बाय द ग्रैंडमदर। कुछ गेम्स हैं जो वो अपने बचपन में खेलती थी, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में बताया है और वो सारी चीजें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बताती है। उसमें से आगे देखते हैं क्या होता है। गेम्स प्लेड बाय हर इन हर चाइल्डहुड वर इलॉजिकल एंड अनडिग्निफाइड। मतलब वो बताती हैं जो वो गेम्स खेलती थी अपने बचपन में, ठीक है, वो कैसे हैं, वो ऑथर के लिए, हमारे जो खुशनसी ऑथर हैं उनके लिए इलॉजिकल लगते हैं और अनडिग्निफाइड लगते हैं। कभी होता है इलॉजिकल, आप समझ पा रहे हैं, मतलब जहाँ पर आप कोई भी लॉजिक नहीं बिठा पा रहे हैं, वो एक ऐसा गेम था जो इलॉजिकल था, ठीक है। अनडिग्निफाइड मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। यस, ये होता है। मान लो 20 साल अगर आप पीछे जाएँ तो कुछ गेम्स ऐसे थे बच्चे खेलते थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते वो कौन कौन से गेम्स थे, उनका कोई खास लॉजिक भी नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर कुछ गेम्स बताए जा रहे हैं उनकी जो ग्रैंडमदर है अपने बचपन में खेलती थी, और वो ज़्यादा अच्छे गेम्स उनके टाइम पर उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छे गेम्स रहे होंगे, लेकिन जो खुशवंत सिंह है हमारे राइटर उनके हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे गेम्स नहीं है, तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये इलीगल एंड अनडिग्निफाइड, ठीक है। उसके बाद में है हमारा यहाँ पर हर ग्रैंडसन खुशवंत सिंह ट्रीटेड हर नरेशन एज हैबल्स। हैबल्स क्या होता है? फिक्टिशियस स्टोरीज। तो बोला जा रहा है नरेशन एज नरेशन एज हैबल्स ऑफ द प्रोफेस सी यूज टू टेल अस। मतलब बहुत सारे जो गेम्स बताती है या जो भी बात बता रही है तो उनको वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, खुशवंत सिंह ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ाते हैं। नरेशन यहाँ पर इसलिए बोला गया है जब वो अपने गेम्स के बारे में बताती है और ये सारी बात बता रही है, इन सभी लिए उन्होंने नरेशन बोला है, ठीक है। हाँ, अगर कोई वर्ड दिया होगा मैंने नरेशन ले लिया, क्योंकि नरेशन में दोनों ही चीज़ें आ गई, तो कभी वो स्टोरीज बता दी थी, कभी गेम्स के बारे में बता दी थी, इन सबको जो खुशवंत सिंह ने जाता वो जो नहीं देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं ये सब ना फिक्टिशियस स्टोरीज हैबल्स हैं, ये ऐसे ऐसे बोलती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो रोज बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टाइटल समझ आया होगा। उसके बाद हमने राइटर के बारे में बात की थी और पोर्ट्रेट क्या होता है ये समझ लिया हमने, इस स्टोरी का जॉनर कौन सा है, फिक्शन है, लिटिल पीरियड कौन सा चल रहा था जब ये तैयार किया गया था, स्टोरी मॉडर्नाइजेशन एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। नैरेटिव टेक्निक क्या है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक है जो इस चैप्टर में यूज की गई है, और ये इंसाइट ऑफ द स्टोरी हमने यहाँ पर दो ही अगली चीजें कवर की हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडमदर एंड गेम्स एंड स्टोरीज परफॉर्म्ड बाय ग्रैंडमदर, और ये सारी चीजें। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है इनका, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं रख करके अभी नेक्स्ट नोट्स लिखता हूँ और हम तुम्हें भी बेहतर समझेंगे। अब हाँ स्टूडेंट्स, तो अब तक आपने दो पॉइंट कवर कर लिए, दोनों जो हम बता रहे थे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बाय खुशवंत सिंह, और अब हम तीसरा पॉइंट में जा रहे हैं। तो हमने उन दो पॉइंट में ये कवर किया था, जो हमारा पहला वाला पॉइंट था उसमें हमने ये देखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मदर, उसके बाद में जो गेम्स या जो स्टोरीज वो बताते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ नैरेटर्स ग्रैंड मदर। यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें, आपके जो नैरेटर है मैं इधर लिख देता हूँ, आपके जो नैरेटर है वो खुशवंत सिंह है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो है हमारे खुशवंत सिंह, यही इसमें नैरेटर है आपके, आपको भी ध्यान रखना होगा, ये सारी स्टोरी में बता रहे हैं वो भी इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में, ठीक है। चलिए आइए हम इसको बेहतर समझते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर हिज पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन ड्रॉइंग रूम। मतलब उनके जो ग्रैंड फादर है, देखो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दोनों ही नहीं है इस समय, दोनों ही खत्म हो चुके हैं, मृत्यु हो गई है उनकी, लेकिन इस स्टोरी में ज्यादा जो सिग्निफिकेंस दिया गया है वो दिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मतलब उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका जो पोर्ट्रेट है उनके लिए ज्यादा तवज्जो दिया गया है, एंड दोनों का हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है।
जहाँ पे पहला पॉइंट है उनका जो पोर्ट्रेट है ग्रैंड फादर का वो मेंटल पीस से ऊपर हुआ है रूम में ड्राइंग रूम में ठीक है। अगला पॉइंट है ही वोर अ बिग टर्बन लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे और साथ में ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हैड लॉन्ग एंड व्हाइट ब्रेड और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है उनकी लंबी सी और एकदम व्हाइट एकदम सफेद उनकी दाढ़ी है। तो ये हमने ग्रैंडफादर के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द नैरेटर। पूरी स्टोरी में इनका जो रिलेशनशिप है जिसको हाईलाइट किया गया है इन दोनों के बीच में ग्रैंड मदर एंड नैरेटर दोनों के बीच में बताया गया है क्या इम्पोर्टेंस है क्या सिग्निफिकेंस है और ये दोनों लोग कैसे रहते हैं ठीक है। ये तो थोड़ा सा बताया था डिस्क्रिप्शन हो गया ग्रैंड मदर का और फिर ग्रैंड मदर का वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये जो आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना होगा ठीक है। हाँ इसमें पहला फेज है फर्स्ट फेज जो कि विलेज लाइफ है या आप टाउन लाइफ कह सकते हैं क्योंकि जो उनका विलेज है वो टाउन से जुड़ा हुआ है अटैच्ड है ठीक है। यहाँ पर क्या होता है पेरेंट्स वेंट टू सिटी एंड लेफ्ट हिम विद ग्रैंडमदर मतलब खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो सिटी से थोड़ा गांव से थोड़ा सा दूर चले गए थे और उन्होंने अपने बच्चे को खुशवंत सिंह को अपनी मदर के साथ छोड़ दिया था ग्रैंड मतलब बच्चे की ग्रैंडमदर। तो खुशवंत सिंह की ये ग्रैंडमदर है लेकिन खुशवंत सिंह को किसने छोड़ा यहाँ पर इनके साथ खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर के साथ इस बच्चे को छोड़ा था ठीक है। तो आप ध्यान रखना कंफ्यूज ना रहे ये ग्रैंड मदर है और ये नैरेटर है ये ग्रैंड चाइल्ड का पोता है ये ठीक है। सेकंड पॉइंट है ग्रैंड मदर गॉट हिम रेडी विद चॉक इंक फॉर लैब पेन फॉर स्कूल जब ये यहाँ पर विलेज वाइफ है या प्रधानमंत्री उस दौरान क्या होगा उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको तैयार किया करती थी रोज सुबह उठा दिया जल्दी उठा दिया पहला प्रहार कर दिया अच्छे कपड़े पहना दिए बाल काट दिए है ना कॉम्बी कर दिए इस तरह से उसके बाद साथ में बंडल टाइप कर देती थी। बंडल टाइप का सेंस एक छोटा सा झोला या बैग है वो दे दिया उसमें चौक रख दी इंक पॉट रख दिया रेड पेन रख दी और स्कूल के लिए बच्चा के लिए बोल दिया करती थी। तो इस तरह से वो रोज का अपना डेली का रूटीन था कि रोज उसे जल्दी सुबह जगाना है निकालना बुलाना है तैयार करना कपड़े बनाने हैं ये सारी चीज़ें साथ में देती है। आप ध्यान रखें अपने आंसर में जब लिखेंगे तो इनको मैंशन करेंगे चौक इंक पॉट रेड पेन तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे और आप अपना आंसर लिख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है सी चैंटेड मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस वे थिंकिंग दैट ही विल लिसन एंड लर्न मतलब उनकी जो ग्रैंडमदर है रोज सुबह मॉर्निंग प्रेयर मतलब हर सुबह वो प्रेयर करती थी और वो भी किसमें एक मोनोटोनस वे में। मोनोटोनस वे क्या होता है कि जब कोई भी चीज आप लगातार बार बार देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए मोनोटोनस बोला जाता है ठीक है। तो क्योंकि प्रेयर में जो भी वो बार बार काम करती थी तो वो मोनोटोनस वे में करती थी और ये सोच ही करती थी कि उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है जो बच्चा है वो सुनेगा और सीखेगा ये मानते हुए वो करती थी। तो आप ध्यान रखना कि दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता था ग्रैंड मदर के ये चल रहा होता कि उनका जो ग्रैंड सन है ग्रैंड चाइल्ड है वो ध्यान से सुन रहा है और सीखेगा भी लेकिन ऐसा नहीं था वो ऐसा सोचती थी। He listened because he loved her voice ये जो खुशवंत सिंह के नैरेटर है अपने वो सुनते तो थे ध्यान से लेकिन वो इसलिए नहीं सुनते थे कि उन्हें सीखना है या लर्न करना है नहीं वो एक्चुअली ही लव्ड हर वॉइस एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग द मॉर्निंग प्रेयर दैट शी वुड सिंग एवरी डे इन अ मोनोटोनस वे ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट टू स्कूल व्हिच वाज अटैच्ड टू द टेंपल और ये बच्चे को रेडी कर दिया प्रेयर हो गई हाँ स्कूल रेट कर दिया प्रेयर भी होगी उसके बाद वो नाश्ता कर लेते थे नाश्ता करने के बाद दोनों लोग स्कूल जा रहे थे दोनों यहाँ मैंने लिखा है दे तो यहाँ पर दो लोग हैं
यहाँ पर स्टूडेंट भी हो गया, मतलब हमारे खुशवंत सिंह जो है डायरेक्टर ये भी हो गए, और यहाँ पर ग्रैंड मदर ये दोनों लोग हो गए। तो आप ध्यान रखें दे नहीं सी रिटायर ये दोनों लोग हैं। दे वेंट टू स्कूल, स्कूल जाते और स्कूल से अटैच था टेम्पल से, ये टेम्पल से अटैच था आपका स्कूल। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं, इधर दिखाता हूं आपको, मान लो ये मन आपका स्कूल है, ठीक है। तो सेम ही ये वाली दीवार है, ये दीवार हुआ करती थी, मतलब ये आपका स्कूल है और ये आपका टेम्पल है, लेकिन बिल्डिंग एक ही है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ इस तरह से रास्ता ही हो माने जाने के लिए, हाँ इस तरह से ये तो बोला जा रहा है स्कूल अटैच था वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैरिड स्टेल चपातीस विद हर और ग्रेस डॉग्स। अब बोला जाता है जब वो ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों लोग स्कूल जाते थे, उस दौरान वो कुछ रात की जो रोटी होती है बची हुई उनको साथ में ले जाती, स्टिल भी सोता है रात की बची हुई रोटी, बासी रोटी बोलते हैं इसे, तो वो चपाती वो अपने साथ ले जाती थी। और क्यों ले जाती थी? और विलेज डॉग्स एक्चुअली, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, वो कुछ रोटी इसमें से खा लिया करती थी, लेकिन जो बची हुई रोटी होती थी उसे ले जाती थी। क्योंकि अगर मान लो ये इनका होम है, ठीक है, अपने घर से स्कूल वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जब लौटते थे तो अगर वो लौट के आएंगे यहाँ पर वापस तो काफी टाइम हो जाएगा, जब लौट के आएंगे टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये चपाती है और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो साथ ले जाते थे जिससे कि वापस नहीं आना पड़े घर पर, वो रोटी ले जाते। तो एक ही बार में वो उस तेल चपाती से अपने साथ ले जाती थी, जो वापस आती थी तो डॉग्स के लिए दे दिया करती थी वो खाने के लिए, इसीलिए कहा गया यहाँ पर और विलेज डॉग्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो कौन कहाँ बैठता है, चिल्ड्रन सैट डाउन इन बरांडा, तो जो बच्चे हैं वो बरांडा में बैठ जाते थे, हाँ ये आपका बरांडा कहलाएगा शायद, यहाँ पर जानता हूँ गैलरी से बरांडा बोलते हैं इसे, हाँ बैठ के वहां पर क्या सीखते थे बच्चे, अल्फाबेट सीखते थे और प्रेयर सीखते थे, इसके माध्यम से प्रीस्ट मतलब पुजारी था वहां पर, कोई टीचर और नहीं था, जैसे अभी के स्कूल में होता है पुजारी था, तो वही बच्चों को भी अल्फाबेट सिखाता था और जो ओल्ड लोग आते थे वहां पर ओल्ड एज लोग उनको प्रेयर भी प्रैक्टिस कराता था और तीन बच्चों के लिए प्रेयर कराता था, ठीक है। ग्रैंड मदर सैट डाउन इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो अंदर बैठ जाती थी, सॉरी सब बच्चे ध्यान दें दोनों का, जो बच्चे हैं वो बरामदा में बैठते थे और जो ग्रैंड मदर हैं वो इनसाइड बैठती, मतलब जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नहीं बैठ रहे कहीं बरामदा वगैरह में, ठीक है ये आपका है, और ग्रैंड मदर इनसाइड, तो ये आपका टेम्पल है तो वो यहाँ पर कहीं बैठ जाया करती टेम्पल में अंदर, यहाँ पर नहीं बैठ जाया करती, एक बिल्डिंग सेम है लेकिन अलग अलग बैठते, वो बैठ क्या करती थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। फिर अब इससे हमें एक चीज मालूम होती है कि जो ग्रैंड मदर है वो एजुकेटेड है, लिटरेट, यस, एंड दैट इज व्हाई शी वाज वेरी एडिक्टेड फॉर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एंड शी वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गॉड आल्सो, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप दोनों का फंक्शन याद रखना, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या किसी से स्कूल जा रहे थे उस समय वो बरामदा में बैठे अल्फाबेट सीखते थे, अल्फाबेट हो गया प्रेयर हो गया, लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, अंतर है दोनों। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, लास्ट पॉइंट था इस वाले फर्स्ट फेज का, व्हाई रिटर्निंग विलेज डॉग्स वुड मीट एट टेंपल फॉर द रिमेनिंग चपाती, जब वो अपनी क्लासेस होने के बाद लौटते थे तो उस दौरान उनको डॉग्स मिल जाते थे, कहाँ पर मिल जाते थे वो टेम्पल में मिलते थे, और वहाँ पर वो उनके पास जो भी चपातीस हुआ करती थी वो सारे की सारी चपातीस इन डॉग्स को दे दिया करते थे वे लोग, जिससे कि वो खा लेते थे। और तरीके से ये भी होता था कि जब वो चपातीस दे रहे थे तो डॉग्स में आपस में लड़ाई होने लग जाती थी, क्योंकि वो अपने अपने लिए करते थे कि हमें रोटी मिले हमें रोटी मिले, इस तरह से करते। आप एक चीज का ध्यान रखें, आपकी जो किताब है उसमें एक क्वेश्चन है कि
हमने अब तक दो पॉइंट कवर कर लिए हैं, उसमें रिलेशनशिप में जब हमको बताया गया था रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द नरेटर, तो हमने उसमें पहला फेज कवर कर लिया है रिलेशनशिप वाला, जिसमें ये हाईलाइट किया गया था उनका एक ग्रैंड मदर का और नरेटर का डेलिलुटिन बताया गया था साथ में उनका ये फर्स्ट फेज में, जिसको हाईलाइट किया गया था डॉग्स और चपाती वाला पॉइंट और इनकी कनेक्टिविटी बताई गई थी। तो आप सब बच्चों को ध्यान रखना है क्योंकि जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं उस दौरान आपको भूलना नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है तब आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। तो हमने पहला फेज कवर कर लिया है, अब हम जाते हैं सेकेंड फेज, ठीक ओके। सेकेंड फेज कब शुरू होता है, सेकेंड फेज व्हेन द पेरेंट्स सेटल्ड इन द नियर बाय सिटी, तो जब नेटर के जो पेरेंट्स थे नियर बाय सिटी में सेटल्ड हो जाते हैं, तो एक ये एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा चेंज माना था यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वो देखते हैं क्या है, ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल दो शेयर द सेम रूम, इनकी जो ग्रैंड मदर है हमारे जो नेटर है उनकी जो ग्रैंड मदर है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जा सकी बच्चे के साथ ग्रैंड सन के साथ, और हालांकि रूम शेयर किया करते थे वो, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर जब उनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रह रहे थे नैरेटर के तब की बात है। नैरेटर खुशवंत सिंह यूज टू गो टू स्कूल इंग्लिश स्कूल बाय मोटर बस, और अब जो हमारे नैरेटर है खुशवंत सिंह, इन्होंने स्कूल जाना इंग्लिश स्कूल जाना शुरू कर दिया, वो भी मोटर बस से वो स्कूल जाते थे, ठीक है। नो डॉग्स सी टू टू फीडिंग स्पैरोस, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले पार्ट पहले फेज में डॉग्स की बात यहाँ पर की गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डॉग्स एंड चपाती का कनेक्शन बताया गया है, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है सेकंड फेज में इस वाले फेज में कि नो डॉग्स मतलब नाउ ऑल द डॉग्स हैव स्टॉप फॉलोइंग देयर व्हाई बिकॉज़ दे हैव सेटल्ड टू द सिटी दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द डॉग्स एवरी टाइम राइट, सो ऑल डॉग्स हैव स्टॉप फॉलोइंग his grandmother and him। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो डॉग्स हैं उनका आना जाना बंद हो गया है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, आप समझ जाना। सेकंड फेज में डॉग्स की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी, उसके बाद सी टू टू फीडिंग स्पैरोस, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, जब वहाँ पर डॉग्स नहीं है क्योंकि बच्चा स्कूल चला जाता है वो घर पर रह जाती है, तो क्या करती है बर्ड्स स्पैरो आ जाती है वहाँ पर, मतलब हिंदी में इसको गौरैया बोलते हैं, हिंदी में गौरैया बोलते हैं वैसे ये पक्षी जो भी है, तो ये बर्ड्स को वहाँ पर खाना खिलाती है, मतलब जो रोटी के टुकड़ा है या रोटी के टुकड़े किए जाते हैं वो करके उन्हें फीडिंग करती है, उनके लिए खिलाती है। आफ्टर स्कूल आवर्स ग्रैंड मदर आर्क्ड, जब बच्चा स्कूल से आता है स्कूल आवर्स के बाद मान लो दो बजे छुट्टी होगी या बाद में छुट्टी होगी आता है, तो ग्रैंड मदर उनसे वार्तालाप करती है और एक क्वेश्चन पूछती है व्हाट हैड द टीचर टॉट, मतलब आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, हाँ इस तरह से कुछ पूछती है, क्वेश्चन है ग्रैंड मदर का जिसपे जवाब क्या दिया बच्चे ने ग्रैंडसन ने खुशवंत सिंह ने, देखते हैं क्या आंसर। इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स दिखाए जाते हैं बच्चे को वहाँ पर, वेस्टर्न साइंस सिखाए जा रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड बीइंग राउंड तो यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात की जा रही है एक तरह से, एंड म्यूजिक क्लासेस, तो ये इन्होंने अपने आंसर में बताया कि ये चीजें हैं मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ये सारी चीजें। उसके बाद ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन आता है वो आप देखें, रिएक्शन ऑफ ग्रैंड मदर मैंने लिख दिया है, देखते हैं सी कुड नॉट हेल्प विद हिज लेसंस, अब क्या होता है नाउ ही हैज मूव्ड टू द नेक्स्ट और फर्दर क्लास, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू हेल्प हिम अ लॉट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही है उन सब्जेक्ट वगैरह में, और उन्होंने उनका कुछ जवाब आया है वो क्या कहती है, देयर इज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, पहला कारण ये होता है कि वहाँ पर भगवान की कोई टीचिंग नहीं है और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ ही नहीं बताया जा रहा है, मतलब भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स होती हैं ग्रंथ होते हैं जैसे ऋषि वेद समावेद ये जो भी है ऐसे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो और क्या बताया, म्यूजिक हैड ल्यूड, ल्यूड का मतलब होता है डर्टी,
म्यूजिक एंड ल्यूट एसोसिएशंस ये बोलती हैं जो म्यूजिक है म्यूजिक वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसमें वो गंदा है. द म्यूजिक दैट इज बीइंग इंपार्टेड टू द स्टूडेंट्स इज नॉट गुड एट ऑल, दैट इज डर्टी, वो गंदा है वो, और उससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी सही नहीं है ज़्यादा. इट हैज द मोनोपोली ऑफ हार्ड रॉक्स, आपने खराब क्यों बता रही है म्यूजिक के लिए कि म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन और म्यूजिक हैड डर्टी एसोसिएशन, क्योंकि वो क्या इसका जवाब देते हैं क्योंकि इट हैज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स, मतलब हार्लेट्स होती है प्रोस्टिट्यूट, बोला जा रहा है प्रोस्टिट्यूट का एक तरह का मोनोपोली है. एंड बैगर्स, और बोलती है और ये जो है म्यूजिक ये बैगर्स के लिए है, भिखारियों के लिए है, फन सब के लिए नहीं है. नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, मतलब जो जेंटलमैन है, अच्छे लोग हैं, नोबल पीपल हैं, उनके लिए म्यूजिक नहीं है. तो ये उनका रिप्लाई है, उन्होंने तीन चीज बताई यहाँ पर, क्या आप सब लोग ध्यान रखेंगे, नो टीचिंग ऑफ गॉड इन द स्क्रिप्चर्स, पहला पॉइंट लिख रहा है उन्होंने, ऑफन उन्होंने ये बताया है, और म्यूजिक हैड ल्यूट और डर्टी एसोसिएशंस, और उसके बाद में लिखे जो कारण बताए गए कैसे थे, और बाद में बताया गया शी वॉज अनहैप्पी एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब वो खुश नहीं है और थोड़ा तनाव में आ जाती है ये सारी चीजें सोच के सारी चीजें. थर्ड इज व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी इन द सेम कंट्री, अब यहाँ पर जब बच्चा सेम कंट्री में यूनिवर्सिटी जाता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है. ही गॉट सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप, अब क्या होता है जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है मतलब ट्वेल्थ से आगे भी पढ़ाई करके जाता है, तो यहाँ पर जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का दोनों दादी के बीच में बच्चे के बीच में वो स्नैप हो जाता है. स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, कोई भी चीज टूट जाना, ब्रेक हो जाना, उसका मतलब ये होता है स्नैप. तो फ्रेंडशिप टूट जाती है क्योंकि दूरियां बनने लगती है, सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से. Sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting the prayers. अच्छा, अब यहाँ पर वो जब यूनिवर्सिटी चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि दादी ना सुबह से लेकर शाम तक जो चरखा है उसके पास बैठी रहती है और धागे वगैरह बनाते रहती हैं और साथ में प्रेयर्स भी रिसाइट करती रहती हैं, ये उनका काम रहेगा. आप ध्यान रखना पहले पेज में मैंने बताया था डॉग्स एंड चपाती का कनेक्शन, सेकंड पेज में क्रीडियो स्पैरोस की बात की गई है, ठीक है, थर्ड पेज में व्हील स्पिनिंग की बात की गई है. आप मिक्स मत कर देना आंसर्स में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है. हाँ, और रही बात प्रेयर की, अगर हम प्रेयर की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रेयर जो है वो तीनों पार्ट में आ गई. फर्स्ट पेज में भी प्रेयर के बारे में बात किया गया है, सेकंड पेज है इसमें भी प्रेयर के बारे में बात किया गया है, और जो थर्ड पेज है इसके बारे में भी प्रेयर का बात किया गया है. तो प्रेयर उन्होंने नहीं छोड़ी है, बस किसका साथ छूट गया है, डॉग्स का साथ छूट गया है. तो फर्स्ट पेज में डॉग्स आए थे, सेकंड में नहीं आए थे, पहली बात. और एक चीज और ध्यान रखें आप, और फर्स्ट पेज में स्पैरोस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, कि सेकंड पेज में ही स्पैरोस के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, यहाँ से लेके और नेक्स्ट चलता रहता है. तो हमने यहाँ पर देख लिया थर्ड केस में सेकंड पर्सन लिया है, ये वाला पर सिलेस्टर के सामने बैठ जाती है, इसमें भी पास और इस पर धागे वगैरह बनाती है और प्रेयर्स गाती रहती है. She sat in veranda and broke the bread into little bits. Hundreds of birds sat on her legs, shoulders and head to eat. अब क्या होता है? वो बरामदा में बैठ जाती है और वहां पर उनके पास रोटी है, ब्रेड है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और तोड़ने के बाद इस पैसे वो डाल देती है बर्ड्स के लिए, और सैकड़ों बर्ड्स उनके पास आती है. बर्ड्स, कुछ बर्ड्स उनके पैरों पे बैठ जाती है, कुछ सिर पर बैठ जाती है, और कुछ शोल्डर्स पे कंधों पर उनके बैठ जाती है. जो स्पैरोस है, जो बर्ड्स है, क्यों बैठ जाते हैं? टू ईट, क्योंकि All the birds love a lot to this grandma, so that's why all the birds or the sparrows are coming all together and they are sitting sometimes on her legs and sometimes on her shoulders and on head just to eat the little crumbs. Okay, now we have the last part in this. She never shoot them away. आप ध्यान रखें, shoot them away बहुत अच्छा word है, बहुत अच्छा phrase है. इसका मतलब होता है कि जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी जो बर्ड्स आ जाते हैं कभी भी ये नहीं करती हैं कि होता है ना गांव वगैरह में शहर में कभी पक्षी आ जाते हैं उन्हें ऐसे उड़ा देते हैं, पास आते हैं हटा देते हैं, उड़ा देते हैं वहां से,
remove means we try to move them from the particular place. Okay, तो हम इस तरह से बोलते हैं stress बोलते हैं तो birds को हटाने के लिए हम कैसा करते हैं? तो बोला जा रहा है जब भी birds के पास आ रहे थे वो कभी भी shoo नहीं करती थी तुम्हें, so she never shooed them away. It was the happiest half an hour of the day. और ये उनकी जिंदगी में उनके हर दिन ये जो टाइम होता था ये आपना जो देती थी बर्ड्स के साथ ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था उनके लिए. एक चीज और समझिए आप यहाँ पर सॉरी ये आपको थर्ड पेज है इसमें नैरेटिव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. जो ये वाला पार्ट है आपका इसमें ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है टोटल एंड टोटल. मैं अब आपको ये बताऊंगा कि मैंने कुछ चीज यहाँ पर हाईलाइट की है रेड कलर से वो क्यों की है. एक सेकंड स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से. पेज नंबर आप इस पर जाएंगे 6 पे जिसमें पहला क्वेश्चन है मेंशन द थ्री बेसिस ऑफ ऑथर्स relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Chapter में total 4 cases बताए गए थे. मैंने अब तक 3 cases describe किए हैं. ध्यान रखना अब तक 4 cases बताए गए थे story में. मैंने यहाँ पर 3 cases describe किए. पहला मैंने case describe किया था उससे पहले उसमें grandmother का daily routine बताया गया है, बच्चे के बारे में बताया गया है और dogs और चपाती वाला connection बताया गया है कि जब वापस आते स्कूल से तो डॉग्स ने चपाती दिया. मैंने पहला केस ये बताया तो आप आंसर में 3 केसेस मैं बता रहा हूँ. ये बहुत अच्छे रोल से बहुत सारा काम किया कर लिखे गए हैं तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं पीछे कर रहा हूँ बाद में अभी नहीं ठीक है. तो मैं बता रहा हूँ आपको 3 केसेस आपको कौन कौन से लिखने हैं. आपको डिटेल में आंसर लिखना है. तो पहला केस वो हो गया आपका अंदर में आया था. सेकंड केस आपका ये वाला है यहाँ का. सेकंड केस में ये जब सिटी में चले जाते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ. लेकिन मेन चीज आप ध्यान रखेंगे सेकंड केस में आप फीडिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे और जो स्कूल जाने लग जाता है अभी फीडिंग स्कूल में जाने लगता है तो उसके पीछे क्या सिखाते हैं. सो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह दी जा रही है, वीडियो लेसन दिए जा रहे हैं और ये सारी चीज बताई जा रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है. तो 3 केस बताने पहला केस वो हो गया. तो दूसरा केस ये है ये आंसर में है. थर्ड केस आपका ये है ये बता दें. अगर आप तीनों केस को बहुत अच्छे से बताते हैं वहाँ पर तो आपका बहुत अच्छा आंसर है, बहुत सटीक आंसर है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. पहले का आंसर ये हो गया 3 केस हो गए. अब अगला क्वेश्चन है उसी में मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. मतलब ग्रैंडमदर है वो डिससैटिस्फाइड क्यों थी या उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता, डिस्टर्ब क्यों थी जब उनका ग्रैंडसन स्कूल जाने लग जाता है. तो ऐसा क्या हुआ था जब वो स्कूल जाने लगा था वापस आता है बच्चा तो ग्रैंडमदर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट हैड द टीचर टोल्ड. जब उसने सच जवाब दिया तो उसमें 3 चीज थी वो मैं हाईलाइट कर रही हूं और क्वेश्चन में भी 3 चीज पूछी गई है आपसे. मेंशन द 3 रीजंस. मेंशन 3 रीजंस. पहले रीजन देंगे आप वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में. मतलब जब वो स्कूल जा रहा था तो वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी. उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंग्लिश वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, म्यूजिक क्लासेस. पहला रीजन हो गया आपका. सेकंड रीजन ये है यहाँ से नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. ये आपका सेकंड रीजन हो गया. थर्ड रीजन म्यूजिक हैड ल्यूड अर्थात डर्टी एसोसिएशंस. तो आपका थर्ड पॉइंट म्यूजिक से लेके आपका यहाँ तक जाएगा एंड तक ठीक है. तो ये आपके 3 मेजर कॉसेस हो गए, रीजंस हो गए जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी. तो ये जो है नोट्स बनाए हैं एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे नोट्स हैं और यही नहीं नोट्स ये आपके क्वेश्चंस आंसर्स में भी बहुत आपकी मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे और आपके पूरे तक पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे ठीक है. ये हमने कर लिया. नेक्स्ट इसके जो नोट्स रह गए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 में बनाएंगे. हमारा पार्ट 1 है पार्ट 2 बनाएंगे. तो इफ यू उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. इफ यू लाइक द चैप्टर
do subscribe the channel and share the video for your friends, and be ready for the upcoming videos. Be happy till the next video.